हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाएंगे। वैसे ये सब्ज़ी तो ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी फेमस है, बट ये मिथिलांचल की एक बहुत ही फेमस डिश है। तो चलिए हम इसकी ओर चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अरबी के पत्ते ले लेंगे। आप चाहे तो फ्रेश पत्ते ले सकते हैं, छोटे बड़े जो भी हो, और इसे हम इस तरह से बारीक काट देंगे। आप जितना बारीक हो सके उतना बारीक काटें। उसके बाद इसमें हम एक पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून के अराउंड हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के अराउंड इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अदरक लहसुन को क्रस्ट करके ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे बस लहसुन डाला है, आप चाहे तो इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें जो है नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड किया है। और अब इसे हम इसको बाइंड करने के लिए इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे। तो बेसन तकरीबन मैंने यहाँ पे जो है वो 3 चम्मच बेसन ऐड किया है। और उसके बाद इसमें हम नींबू का रस ऐड करेंगे, 1/2 नींबू का रस। वो इसलिए क्योंकि ये हाथों में काफ़ी लगता है, आपके हाथों को ये काट सकता है, इसलिए जब हम इसे मिलाएंगे तो आप मेक श्योर कि आप हाथों में भी नींबू का रस लगा लें, तो ही आप इसे अपने हाथों से मिलाएं, वरना फिर ये आपके हाथों को काट देगा। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करके इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। आप ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना ऐड करें, वरना इसका जो है वो जो हम डो बनाएंगे वो थोड़ा पतला हो जाएगा। तो ये अच्छे से तैयार हो चुका है, तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 बाय 1 करके सारे पीसेस को ऐड कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल हम मीडियम रखेंगे, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो रहता है तो फिर ये जलने के चांसेस होंगे। और इसे हम काफ़ी क्रिस्पी करके फ्राई कर लेंगे। तो एक बार इसे हम फ्लिप कर देते हैं, तो एक तरफ से ये हो चुका है, इसे हम दूसरी तरफ टर्न करते हैं। और मीन वाइल जो है हम इसके मसाले बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच सरसों लिया है, 2 स्मॉल साइज अनियन लिया है, और यहाँ पे 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, और 1 छोटा टमाटर लिया है। और इस सबको अब हम एक फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। तब तक हम यहाँ पे इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से इक्वली अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसे हम निकाल देंगे। और ये पेस्ट भी बन के तैयार हो चुका है, तो इसमें हम बाकी के मसाले जो है वो ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, और यहाँ पे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये अच्छे से जो है वो मिल चुका है। इसमें टमाटर भी हम इसी में ऐड करेंगे। आप चाहे तो टमाटर का एक प्योरी बना के भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम इसे बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। आपको जैसा पसंद है आप उसे वैसा ही ऐड करें। अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, और 1/2 टीस्पून हम इसमें मेथी दाना लेंगे। मेथी दाना जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, और 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के ऐड कर देंगे, और इसमें हम मसाले को ऐड कर देंगे। फ्लेम हम बिल्कुल इस टाइम लो कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तेल से धुआं निकल रहा था। अगर फ्लेम हाई रहेगा और हाई फ्लेम पे मसाले ऐड करेंगे तो मसाले जलने के चांसेस रहेंगे, इसलिए फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। और इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे हम कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहेंगे और चलाते रहेंगे, है ना। तो मसाले पहले से अच्छे से भून चुका है, बट अभी इसका बाकी है, अभी इसे थोड़ा सा और भूनना है। इस टाइम हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा लो हो जाएगा तो फिर मसाला अच्छे से भून नहीं पाएगा। तो अब मसाला ऑलमोस्ट जो है वो भून चुका है, आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। तो अब हम इसमें जो है
पानी ऐड करेंगे। इसमें जो सारे उसमें बेसन लगे हुए थे तो हम इसी में पानी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ग्रेवी ज़्यादा लगेगी क्योंकि उसमें बेसन दिया हुआ है। बेसन जो है वो पानी को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसमें जितना हम ग्रेवी डालते जाएंगे वो पानी को एब्जॉर्ब करते जाएगा। अभी तकरीबन मैंने हाफ ग्लास इसमें पानी ऐड किया है और अभी इसमें और पानी ऐड करेंगे। एक ग्लास पानी फ़िलहाल हम और ऐड करेंगे, उसके बाद इसे इसकी पहले हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, तब जा कर के इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे। फ़िलहाल इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी सही है, इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत तो नहीं लग रही है। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप काफ़ी ध्यान से ऐड करें, नमक हमने पहले भी ऐड किया है इसलिए नमक इसमें कम ही ऐड करें। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड किया है। इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। जब ग्रेवी अच्छे से उबल जाएगा तो इसमें हम सारे पीसेस को जो है वो ऐड कर देंगे। अच्छा सा बॉयल आ गया था तो हम उनमें करके हम सारे पीसेस इसमें ऐड कर देंगे। और इसे हमें पीसेस को ऐड करने के बाद ज़्यादा देर तक बॉयल नहीं करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे हम बॉयल करेंगे, उसके बाद इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ मैंने कसूरी मेथी ऐड किया जो बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे ये पसंद है, इसकी खुशबू अच्छी लगती है इसलिए मैंने ऐड किया है। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं ऐड करें। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी पहले से गाढ़ी हो चुकी है। जैसा कि मैंने कहा था बेसन होता है तो पानी को बहुत एब्जॉर्ब करता है। अब इसमें हम फिर से हाफ लेमन जूस ऐड करेंगे क्योंकि ये खाने के टाइम में लगता है, तो इसीलिए उससे बचने के लिए हम इसमें लेमन जूस ऐड करते हैं। और लेमन जूस हम तभी ऐड करते हैं जब हम फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं। कभी भी ऑन, जब फ्लेम ऑन रहे तो लेमन जूस या फिर कोई भी खट्टी चीज़ें ना ऐड करें, वो सब्ज़ी को तीता बना देती है। तो ये हो चुका है। अब इसका कलर देख सकते हैं, देखने में ये बिल्कुल मछली जैसा लग रहा है और काफ़ी टेस्टी भी होता है खाने में। तो चलिए ये अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनके तैयार है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।